प्रदेश की जनता इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से त्रस्त नजर आ रही है। कोरोना के संकट के इस दौर में पेट्रोल डीजल आम आदमी की पकड़ से बाहर ही होता जा रहा है। आज भी पेट्रोल के दाम में 54 पैसे और डीजल के दाम में 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब राजधानी जयपुर में पेट्रोल 85 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, तो वहीं डीजल 78 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 14 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ और 85.94 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं डीजल भी 8 रुपए 13 पैसे चढ़कर 78 रुपए 53 पैसे के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार भी लॉकडाउन अवधि में 2 बार पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ा चुकी है। ऐसे में अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल आमजन की पकड़ से बाहर ही होता जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बीके शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए 14वां दिन है ये लगातार जहां पर जनता त्रस्त होती जा रही है। अब धीरे धीरे बढ़ोतरी से 8 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी पिछले 14 दिन में देखी गई है। बीके जी हाँ, जैसी ये थोड़ा विरोधाभास है इसमें सरकार की नीतियों में, और यहाँ पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने को अगर लगातार देखा जाए तो, क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही है कि इस समय कोरोना और लॉकडाउन के कारण उद्योग व्यापार रोजगार प्रभावित हुए हैं, तो उसमें राहत देने की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की जिस तरह से कीमत बढ़ रही है, ये भी सीधा का सीधा असर आम उपभोक्ता के बजट पर, उसके घरेलू बजट पर, रसोई पर, साथ ही उद्योग और व्यापार पर खासतौर से पड़ता है। आम उपभोक्ता वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें माल भाड़ा बढ़ता है। यदि 8 रुपए प्रति लीटर के करीब भी डीजल और पेट्रोल में अभी 14 दिन में बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी कि इसका सीधा असर 20% से ज्यादा माल भाड़े में बढ़ोतरी इसके कारण हो गई है, और इसकी वजह से जो उपभोक्ता वस्तु है उनकी कीमतें बढ़ना भी लाजमी है। बिल्कुल। दूसरी ओर जो नेशनल ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसने भी चेतावनी दी है कि यदि ये इसी तरह से डीजल की कीमतें बढ़ती रही तो 1 जुलाई से देश भर में चक्का जाम हड़ताल भी की जा सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है उसमें डीजल एक तरह से रॉ मटेरियल या कच्चे माल की तरह होता है, और रोजाना उनको हजारों रुपए की इसमें खपत करनी पड़ती है, लागत लगानी पड़ती है, और इसकी कीमत बढ़ने से उनकी माल की बुकिंग है उसमें उनका मुनाफा कम हो जाता है, क्योंकि बुकिंग पुरानी रेट पर होती है, माल पहुंचने में कई बार 3 से 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक लगते हैं, तो ऐसे में बीच में उनके डीजल के भाव बढ़ जाते हैं, तो उससे जो उनकी जो मुनाफा मिलना होता है वो नहीं मिलता, उसकी जगह घाटा हो जाता है जी। और ये बड़ी वजह है लगातार, और इसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी दोहरी मार आम उपभोक्ताओं पर है, कि सीधे तौर पर कीमत ज्यादा चुकानी पड़ रही है पेट्रोल की, और उपभोक्ता वस्तुओं के कीमत बढ़ने से भी उसके ऊपर एक दोहरा भार हुआ है, तो बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी इसमें सक्रिय होकर आवाज उठानी चाहिए। जयती बीके, एक और चीज है, दोहरी मार जनता की जेब पे जरूर पड़ रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने वैट तो पहले ही ईंधन पे बढ़ा दिया था, उसके अलावा अब ये रेट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या कहा जा रहा है, कितने दिन और ये बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए जैसे ये सीधा सीधा सरकार ने 2017 में एक बार इसको ओपन ट्रेड किया था पेट्रोल और डीजल को, यानी इससे पहले कई दिनों बाद सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद ही पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बदलाव किया जाता था, लेकिन 2017 में ये पेट्रोलियम कंपनियों को सीधी छूट दी थी सरकार ने कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के अनुसार स्थानीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय कर सकते हैं, यानी सोने चांदी की तरह, शेयर बाजार की तरह यहाँ भी पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना घट और बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा विरोधाभास ये है कि आज भी यदि देखा जाए तो जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसके दाम 38.84 रुपए है WTI के, और ब्रेंट के हैं 42.19 रुपए। जी जी। ऐसी स्थिति में भी पेट्रोल और डीजल के दाम यदि बात करें तो इस लेवल पर कच्चा तेल जब आया था तो उस समय कीमतें बेहद कम हो गई थी, यानी इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेहद कम है। जी 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 बीके, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।